हाँ हाँ रुको 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 हाँ अभी आप लोग जिस जगह पे आए, इस जगह का नाम है सारनाथ और ये सारनाथ का बुद्धा का मेन मंदिर है। मंदिर का नाम है मूल गंध कुटी बिहार। इस मंदिर को विजिट करने वाले ये श्रीलंका के राजा, इनका नाम आनाकारी का धर्मपाल, इन्होंने इस टेम्पल को भी दिया सर 1931 में मंदिर बनाया गया। और भगवान बुद्ध का फोर इम्पोर्टेंट प्लेस है, उनका फर्स्ट है लुम्बिनी नेपाल जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, दूसरा बौद्ध गया बिहार जहाँ पे भगवान बुद्ध को पीपल गाछ में से ज्ञान हुआ, तीसरा ये सारनाथ यहाँ पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, हाँ पहला फर्स्ट सरमन दिया, चौथा है कुशीनगर गोरखपुर जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो अभी सर इधर बोधि ब्रिज देखेंगे जो ओरिजिनल बोधि ब्रिज फर्स्ट बौद्ध गया बिहार में है, सेकेंड श्रीलंका, थर्ड मास यहाँ सारनाथ में लगाया गया है वो देखेंगे। उसके बाद अंदर में मॉडल बनाया गया है बुद्ध ने कैसे उपदेश दिया था, मॉडल यहाँ बनाया गया है, रियल लगा इधर स्तूप है जो 2300 साल पुराना है जहाँ पे बुद्ध ने पहला फर्स्ट सरमन दिया, वर्मा वाले ने मॉडल बनाया है। वाँ वाँ। सामने में है सर स्तूप, देख रहे हैं आप लोग, आइए। ये 2100 का घंटा है, इस घंटे को जर्मनों वालों लोग ने महाबोधि सोसाइटी अफ्रीका को दान में दिया गया है। इस घंटे को दो टाइम बजा जाता है, शाम को 6 बजे भोर में 4 बजे। इस घंटे का आवाज 4 से 5 किलोमीटर दूर तक वाइब्रेशन करता है। ये चक्कर देखें सर, ये कितने किलो का है, ये 2101 kg का है भैया। अच्छा, ये चक्र मणि जो तिब्बत वाले लोग हमेशा घुमाते हैं। हाँ 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 हाँ। इसे एक बार घुमाने से 108 माला का जाप होता है। अच्छा। इसके ऊपर देख रहे हैं मंत्र लिखा हुआ है। हाँ हाँ। वो तिब्बत लगन में लिखा हुआ है, ओ माने पद में हो, इसका मतलब है बोधन सनंगच्छामी संग सनंगच्छामी धम्म सनंगच्छामी। इसे एक बार घुमाएंगे तो 108 माला का जाप होगा। और बुद्धा ने कैसे उपदेश दिया, यहाँ पे मॉडल बनाया गया है। अच्छा, इसको देखेंगे, यहाँ पे फोटो वगैरह ले लेंगे, कोई भी माला फूल वगैरह कहीं चढ़ाना उतारना नहीं है, कहीं एक पैसे आपको कहीं नहीं देना है, ये बुद्धिस्ट प्लेस है। ठीक है सर, फोटो वगैरह हर जगह मिल जाएगा। अच्छा सर,
ऐसे यहाँ से लेंगे आप उधर के। हाँ ऐसा नहीं है, सब लोग कैसे जाओ उगड़ी करेंगे। गोलू ये सब क्या है? हाँ ये मंत्र लिखा हुआ है, ये किस भाषा में लिखा हुआ है? जैसे देखिए ये चाइनीस है। अच्छा हाँ चाइनीस, ऐसे आगे में श्रीलंका है, तिब्बत है, हर कंट्री। बताओ मुझे वहाँ से बताओ। आया तो हिला तो नहीं, मेरे पसंद बोल रहा कितने बजे आ गई यार, तो नहीं तो ये बांग्ला है ना। ओके ये तो अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ओके इसके बारे में पता है? श्रीलंका, श्रीलंका तेलुगु जैसी लग रही, क्यों? अंबाड़ी तेलुगु लग रही, कौन सी है? नहीं वो श्रीलंका है, श्रीलंका। अच्छा ये तेलुगु जैसा है, मतलब कनाडा, मतलब हाँ इससे पास में पड़ता है श्रीलंका। ये इनके उनके भाषा मिलते जुलते रहते हैं। इसके बारे में पता है? हाँ जो पता है वो बताते जाना। बर्मा। ओके ये चाइनीज लग रही। अच्छा ये है वियतनामी, अजीब से वर्ड है। मंगोली नहीं है, मंगोली है, नेपाली कोरियन। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र मतलब बुद्ध का पहला उपदेश, और महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना यहीं पे दिया था सारनाथ में। ये उनके पांच शिष्यों का मॉडल बनाया हुआ है बुद्ध उपदेश देते हुए, और ये बोधि वृक्ष का मॉडल बनाया गया है, ओरिजिनल तो नहीं है। बुद्ध का बिहार में वहाँ से कटिंग करके श्रीलंका ले गया, श्रीलंका अनुराधापुरम में लगाया, वहाँ से कटिंग का सम्राट अशोक ने, अरे श्रीलंका के अनागारी के धर्मपाल ने 1913 में तीसरा ब्रांच सारनाथ में लगाया। अच्छा है ये उसी पेड़ की ब्रांच? हाँ, तीसरा अच्छा। ब्रांच उसी का है, जैसे पेड़ है इसे काट कर ले जाकर तो वहाँ लगा दी, वहाँ से ले जाकर तो वहाँ लगा दी, ये वही चीज है। आनंगपाल लाए थे अनागारी के धर्मपाल, धर्मपाल हाँ, जो उन्होंने मंदिर को बनाया, श्रीलंका के राजा, श्रीलंका के राजा ने बनाया है मंदिर जी हाँ। और ये 70,000 रुपये में बनाया गया है। अच्छा तभी श्री हाँ श्रीलंका के पैसे से धर्मपाल ने बनाया इसको। धर्मपाल ने बनाया, वो भी मतलब चंदा दे करके, मतलब इकट्ठा करके कुछ पैसों में, जन पैसे उन्होंने दे दिए 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 ऐसे करके। मंदिर के अंदर में जो जब एंट्री करेंगे मेन द्वार से ना, पूरा बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। जिन्होंने जिन्होंने डोनेशन किया उनका सबका नाम किया गया। ये जो पत्थर ना भैया, ये पत्थर नहीं, ये चार पत्थर स्तूप के टूटे हुए भाग है, तो बड़ा वाला स्तूप है ना। अच्छा, उसके टूटे हुए भाग ही है। कितने साल पुराना है? 2,300 साल पुराना है। 2,300 साल पुराना, ये भी उसी का? हाँ उसी का टूटा हुआ भाग है। इसका जो डिजाइनिंग वगैरह होता है ना, इधर पीछे काम है। यही सब डिजाइन में आवरा था जो साड़ी सूट बॉर्डर पे डाल करके डिजाइन करते हैं। अच्छा अच्छा ये स्तूप का है। आइए इधर चलेंगे, वो जू है, पार्क है। इधर से क्लोज है तो सर, इसी जगह पे बुद्धा ने पहला उपदेश दिया था। जब उपदेश दिया तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा स्तूप नहीं था उस टाइम, इस जगह का नाम था ऋषि पत्तन मिद्दा। पहले यहाँ ऋषि लोग साधना करते थे चारों तरफ, फिर उन लोग का जंगल। बुद्धा को प्लेस बहुत अच्छा लगा, बुद्धा ने छोटा सा स्तूप बना करके 5 शिष्यों को बैठा करके फर्स्ट पहला सरमन दिया,
और इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनाया। कलिंग युद्ध होने के बाद भगवान बुद्ध की यादगार में बनाया गया कि जिस स्थल पर बुद्ध ने पहला फर्श शरमन दिया वहाँ पर किसी का पैर या पाँव ना पड़े उनके यादगार में मेमोरियल के लिए ताड़ बनाया गया। स्तूप का हाइट 103 फीट है, डायमीटर 93 फीट, 2300 साल पुराना। बड़ी बात है यार, जब ये कूद के आ रहा था। अभी आपको जू देखना है? नहीं देखना है। जू देखोगे? हाँ, वो हिरन वाला ऐसे घूमते हैं यार। कैमरा मैन सब कैप्चर करके आना। राजस्थान में ऊपर इरिजन बच्चो जितने भी पिलर्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर यही था। okay. यही था, इसको थोड़ा बाद में लेते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये ब्राह्मी है। कौन से पाले? नहीं नहीं, थोड़ा बोलते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, हम लिखते क्या है, देवनागरी। वैसे ही उस समय पाली बोली जाती थी, पाली एज ए लैंग्वेज। अच्छा। लेकिन लिखा जाता था ब्राह्मी या खरोष्ठी में। ब्राह्मी ईस्ट इंडिया में चलती थी, वेस्ट में खरोष्ठी चलती थी। इसके 3 राजाओं का शासन आदेश लिखा हुआ है। जेम्स प्रिंसप, दैट इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम इस ब्राह्मी को ट्रांसलेट किया था। और क्या नाम बोला? ब्राह्मी मैम। और 3 राजाओं का शासन आदेश है, अशोका, कुषाण और गुप्ताज। मेन अशोका का है। अशोका ने कहा है कि जितने भी भिक्षु हैं वो कम्युनिटी में रहें, फूट न पड़े उसमें, क्योंकि कोई भी रिलीजन बिना कम्युनिटी के स्प्रेड नहीं कर सकता। तो ये ट्रांसलेट है। और ये जो बीच वाला पिलर देख रहे हैं, इसी के टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं। एक सिंगल रॉक को काट करके बनाया गया था, मोनोलिथिक स्टोन था ये, जिसकी हाइट थी 15.25 मीटर। और इसी के टॉप पे खड़ा था आपका नेशनल एम्बलम। पूरे दुनिया में एक अकेली जगह जो 4 लाइन आपके नोटों पे दिखता है वो इसी के टॉप पे था, जो म्यूजियम में देखा। दिस इज अ रियल प्लेस। एक मोनोलिथिक स्टोन था और इसी के ठीक बीच में 10 फीट नीचे बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे। हाँ जी, वो आपने देखा, दिखाया ना मोबाइल में, मैंने बताया आपको, फिर से देख लीजिए, वो खोल दीजिए आप पिक्चर। ये कंफर्म हुआ है या फिर दिखाऊं मैं? फोटो निकालिए, थोड़ा सा मैं आप फिर से देख लें। ये नहीं मैम, वो उसको दिखाइए आप। आपने जो फोटो दिखाया है, क्या बता रहा है वो ऊपर जो रखा है उसकी बात हो रही समझे? हाँ, ऊपर चढ़ना मना है। जो पिलर्स अशोक के थे वो ये है। हाँ, ये ऊपर का पोर्शन वो देखो, जो क्या बोलते हैं, इसने कितना राज इसके हाथ में था ना, पता है, वो साम्राज्य राज का, वो चक्रवर्ती साम्राज्य का था।
कुटी कुटी हम कुटी क्या करना चाहिए ना हम कर रहे हैं कि तुम वो इसी के लिए नहीं सर देख रहे हैं जी और वहाँ भी हैं कुछ पड़े हुए देख सकते हो और ये गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट में ये टेंपल शायद गिरने लगा मीटिंग को पंचायत का पंचायत हमारे गांव की स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी तो प्लेन स्टोन 200 ये सोन कार्विंग्स और ब्रिक्स 1500 ये सोन मेन स्ट्रक्चर अंदर चला गया 2000 जब जब जो आया अपना इधर दिखाता चला गया बुद्ध के स्ट्रक्चर बनने लगे इसके सामने ले लो ये है बेटी भाई साहब ऊपर वाले देखो पत्थर कितने पाषाण हैं तो कुछ कुछ इंटर गया है वो लोग देखने लायक तो पानी की धार से सब कट गए हैं तो पूरा सनलाइट